Hey friends, Anushree here and welcome or welcome back to my channel. So first of all, Eid Mubarak to all of you in advance and I hope कि आप सब लोग ईद के लिए बहुत excited होंगे. तो मैंने सोचा कि ईद पे या किसी भी festival पे तो हमको सजना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक easy yet glamorous सा look create करके दिखाऊँ जिसको आप लोग ईद पे आराम से try कर सकते हैं. So let's get started. पहले अपने फेस को प्राइम कर लूंगी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सम फाउंडेशन ऑन माय फेस. Now simply I'm going to blend this. There is one pimple, please ignore that. Now I'm going to conceal my face. जो भी area मुझे लगता है like थोड़ा सा dark है उन सब areas पे, like my under eye, nose, chin, some forehead place पे and obviously जहाँ पे मुझे यहाँ पे pimples वगैरह के marks थे वो सब I'm gonna cover. बहुत ही easy but glam look होगा जो आप ईद पे आराम से create कर सकते हैं and इसको beginners भी कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ difficult नहीं है. Now I'm going to bake my face. Now I'm going to contour my face. सबसे पहले मैं नोज कॉन्टूर कर लेती. अपने फोरहेड और चीक्स को कॉन्टूर करूंगी. I'm going to do my eye makeup. For eye makeup, I'm going to keep it simple yet glam. So, मैंने black color and golden color का outfit पहना है. So, सबसे पहले I'm going to take a yellow color. Spread it all over my eyes, eyelid पे. I'm gonna blend it properly. Now I'm going to take this rose gold color and I'm going to apply it in the mid of the lid. इस पे पूरा नहीं apply करना, इससे एक glam look आ जाएगा. इससे पहले जो मैंने किया था आप उतना भी रख सकते हैं like this. But अगर आपको थोड़ा सा उसमें glam add करना है, थोड़ा सा उसको bold बनाना है, तो आप इसमें कोई भी शिमर यूज कर सकते हैं. अब मैं रोज गोल्ड यूज कर रही हूं.
आप लोग कोई भी कलर यूज कर सकते हैं अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, या उससे थोड़ा कंट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये गोल्डन है, थोड़ा सा ये येल्लो स्टोन में है, इसलिए मैंने येल्लो लिया है, रोज गोल्ड लिया है, क्योंकि ब्लैक के साथ तो जनरली बहुत सारे कलर सूट करते हैं। आई एम गोइंग टू यूज अ ब्लश एंड मैं अप्लाई कर दूंगी अपने फेस पे उसको। Now I'm going to highlight the few areas of my face जिसको मुझे highlight करना है। नोज पे भी बहुत जरूरी। यहाँ पे थोड़ा सा फिल माय आईब्रोज एज वेल। अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पे वही सेम कलर अप्लाई करूंगी, दो कलर जो मैंने किया था, एंड उसको अच्छे से स्मज आउट कर दूंगी। सबसे पहले मैं लूंगी येलो, एंड उसी के साथ मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी उस रोज गोल्ड को। Now I'm going to apply the eyeliner. Now I'm going to wear the lipstick and मैं यहाँ पे एक रेड कलर का लिपस्टिक पहन रही हूँ, बोल्ड, अ बिट बोल्ड। एंड अगर आप चाहे लाइट रखना तो आप लिपस्टिक लाइट शेड का चूज कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ माई मेकअप लुक इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट, बट इसके बाद मैं अपना हेयर स्टाइल करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू वेयर दी एयर पीस, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो हेयर स्टाइल मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ऐसे बैक ब्रश कर लूंगी, इधर साइड से थोड़े से हेयर्स लूंगी लाइक दिस, एंड उसको बस ऐसे रोल रोल कर लूंगी, बस ऐसे रोल करना। आप चाहे तो प्लेट भी बना सकते हैं, बट मुझे ये बहुत कन्वीनियंट एंड जल्दी होने वाला लगता है, सो मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे करने के बाद ऐसे रोल रोल, आपको दिख रहा होगा होपफुली, ऐसे करके एक सेकेंड ऐसे करके रोल रोल कर लेंगे, एंड उसके बाद ऐसे थोड़ा सा पफ करके यहाँ पे आप पिन से उसको टक कर, जस्ट लाइक दिस। आपको लगे कि एक से ज़्यादा पिन्स की ज़रूरत है, सो मैं ऐसे टिक टैक पिन्स यूज़ कर रही हूँ। आप एक से ज़्यादा पिन्स यूज़ करें, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने दो पिन्स यूज़ करिए हैं एंड मेरा बाल इंटैक्ट हो गया। अभी मैं सेम प्रोसेस इधर साइड भी करूँगी। दैट्स इट, अभी बालों को थोड़ा सा और मैं कूम कर लूंगी। That's it. My look is ready. And अब बस मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ अपना। And my look
सो गाइज आई होप कि वीडियो आप लोग को हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना, आउट ऑफ 10 रेट करना मेरे इस पूरे मेकअप लुक को, एंड इसको ट्राई जरूर करना ईद पे। और अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे गॉर्जियस।